नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक आपण प्रिय ओडिया कुकिंग चैनल खाना रोजाना को स्वागत करुच्ची। आज आपण मानी मुझे गोटे ट्रेडिशनल आ बहुत ही सीजनल फूड रेसीपी जहाँ कि आपण मानक सहित आज सेयार करुच्ची। तेज चलत आज प्रस्तुत करवा टेस्टी फूड रेसीपी। एबे देखंतु आज मुझे फुलर पकोड़ी रेसीपी सेयार करी। ये फूल को आम गिलीरी फूल बोली आम सीजनल टाइम ही पाई शीत दिन शेष खरा दिन स्टार्टिंग ही आम यह पाई था। एबे प्रथम ये फूल को भल से बाछी नवा या देह जो यहीपर भाव छोट छोट फूलर तार कढ़ थाए आम अलग करदे कारण कढ़ रही आम पकोड़ा कसा लगे। आम यहीपर भाव में बड़ बड़ कढ़ को यहपर भाव में काढ़ी नापर ताक जदि यहपर भाव में बाछी पार ना तेब कुलारे भी पाछुड़ी अलग करें जहाँफल कि आम फूल अलग हो कढ़ अलग हो सबू कढ़ को यहपर भाव में टिकनिक कर बाछबार आवश्यक नहीं। बिलकुल छोट छोट कढ़ जोड़ा से सहित मिसेक ही आम पर सीझे नवा कि बड़ कढ़ गुड़ी यहपर भाव में निश्चय अलग करना ना आम कसा लगे। वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखु। भल लगे आम चैनल को निश्चय लाइक करूँ। फ्रेंड सर्कल निश्चय शेयर करूँ। चैनल को सब्सक्राइब न करते निश्चय सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को प्रेस करने को जमा भी भूल। एवं देखु ये मुझे फूल आ कढ़ी को पूरा अलग करदे। एवं सब फूल को यहपर भाव में अलग कर सारापर ताक भल से धोने आम यहाँ सीझे नवा। एबे आकु मु भलसे सिझेइ नेबी। मु गोटे गोटे जगार प्रथम एथरे पानी ऐड कर नउछि। मु एटी गोटे कप पानी ऐड कर नै छी जेमति फुल हमर भलसे बुडी जिवो आपण सेई क्वांटिटी रे एथरे पानी इपर ऐड कर नेबे। तापर मु एटी हाफ टी स्पून लुण नै कि एकु सिझेइ दउ छी। एकु जमा सिझेबा पई 3 रु 4 मिनिट टाइम लागित। यार कलर जतेबेले पूरा चेंज हे जिवो त आमे जानिबा जे भलसे पूरा सिझी जाई छी। एकु एपरि भाबरे भलसे कभर करकि सिझेइ नेबा। एबे 3-4 मिनिट पर एठी हमर फूल पूरा भलसे सिझी गलाणी। एकु एबे हमर एई पानी को एठु स्ट्रेन करनबा। एई पानी रहिले हमर भजा पूरा कसा लागिवो। एई कसा पानी को आमे बाहर करनबा भलसे। एठी देखंथु फूल पूरा भलसे सिझी जाई छी। मु पानी भी भलसे सब बाहर करनै छी। एबे पकुड़ी प्रस्तुत करबा पई मु एठी हाफ टी स्पून हळदी पाउडर दे दउ छी। तापर हि मु एठी 1/4 टी स्पून लुण दउ छी कारण मु सिझैला बेले भी हाफ टी स्पून लुण नैथली नहले ते लुण बेसी हे जिवो आ टेस्ट बिल्कुल खराब हे जिवो। एबे मु एटी गोटे कप बेसन दउची। आपण एटी पकोड़ा प्रस्तुत करबा पई जति कंसिस्टेंसी दरकार से अनुसार भी बेसन को कम बेसी करि परिबे। मु एटी गोटे टी स्पून चाउल चूना नउची जहा फल लेकि पकोड़ी हमर टिके क्रिस्पी हेबो। तापर एको आमे भलसे इपरि मिक्स करनबा। मु एटी प्रथमे पानी जमा भी देउनी जेहेतु मु फुल को सिझेइची। फुल रे बहुत पानी थाए ताकू एपरि बिना पानी रे ही भलसे दळिकी चकटी नबा जहा फल ले कि हमर एटी भलसे पकुड़ी प्रस्तुत करने पई कंसिस्टेंसी आसी जिवो। आपण जदि दरकार तापर भी एटी बेसन ऐड करि परिबे किंतु मोर एटी पूरा कंसिस्टेंसी परफेक्ट हेछि। एबे आमे हर पकोड़ा प्रस्तुत करनबा। एटी मु तेल को आगरु भलसे गरम करनै छी। एबे एपरि छोटो छोटो करि आमे एटी तेल रे पकोड़ा पकै नबा। बिल्कुल केयरफुली ही मु एटी पकौ छी आपको यहपर एपट सेपट कर भलसे गोल्डन ब्राउन कलर होगा पर्यंत फ्राए करनाबा। देखो केते इजी प्रोसेस रे आमर ये टेस्टी पकोड़ार रेसीपी प्रस्तुत होगा। निश्चय थे ये प्रोसेस रे आपण ये पकोड़ी प्रस्तुत करूँ। किपर लगे मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर निश्चय जनइबे।